वेलकम बैक टू माई चैनल, इट्स लर्निंग साइड बाय सुमैरा खान। आज मेरी जो नई कहानी है वो है चैप्टर 3 मोमेंट्स का, क्लास 9th, ईश्वरन द स्टोरी टेलर, यानी कि ईश्वरन जो कहानी सुनाने वाला है। ठीक है, तो इस कहानी में, ये कहानी ना मेरी पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि जब भी मैंने इसे पढ़ा, जब भी मैं पढ़ती हूँ या मैंने पहले जो है कभी इसे पढ़ा था, तो मैं बेहद हंसी थी, बहुत ज़्यादा हंसी थी। उम्मीद करती हूँ आप भी हंसेंगे, क्योंकि इसमें ये दिखाया गया है कि, स्टार्ट कर रही हूँ, ईश्वरन जो एक नॉर्मल सा लड़का होता है वो कहानियाँ सुनाता है, और उसकी कहानी सुनाने का अंदाज इस तरीके से होता है कि वो इतना ज़्यादा सस्पेंस में सुनाता है कि बस मज़ा ही आ जाता है। इंसान सामने वाला ना सुंदर है, क्या हुआ था क्या हुआ था, इस तरह सुनाता था वो। तो स्टार्टिंग ऐसी हो रही है कि इस कहानी में एक शख्स है जो कि कुंवारा है, जिसका नाम जो है महेंद्र है। महेंद्र जो होता है वो निरीक्षण करता है, मतलब उसके ऑफिस से जो है ना लोग उसको कहीं ना कहीं भेजते रहते हैं, कभी रेलवे में निरीक्षण करना कि ये चीज चल रही है या नहीं चल रही है, मान लो इंजीनियर ही समझ लो। ठीक है, कभी पुल के पास भेज देते हैं, बांध बनाए पुल बनाए कोई गड़बड़ी है नहीं है, उसके ऑफिस वाले उसको ऐसे काम में भेजते रहते हैं। ठीक है, और जब भी वो इस काम पर जाता तो उसका कोई ठिकाना नहीं होता, कभी कभी इस जगह जहाँ जा रहे थे वहीं पर रूम लेके ठहर लिया, लेकिन वो अपने साथ अपने बावर्ची जिसका नाम होता है ईश्वरन उसको जरूर लेकर चलता है, क्योंकि महेंद्र कुंवारा होता है, शादी नहीं होती है उसकी, तो उसको कपड़े उसके खाने वाने का इंतजाम जो होता है ना वो ईश्वरन करता है, ईश्वरन से उसे बड़ा लगाव होता है। महेंद्र हमेशा ईश्वरन को अपने साथ लेके जाता है जहां पर भी जाए, इसलिए क्योंकि ईश्वरन जो होता है ना वो उसके खाने पीने का इंतजाम करता है, उसके जाने के बाद दोपहर का खाना बनाता है ईश्वरन। ठीक है, और क्या करता है वो घर की सफाई भी करता है, और जहां पर भी वो रहता है ईश्वरन कहीं ना कहीं से ना सब्जियां ढूंढ कर फ्रूट्स वगैरह कुछ भी करके इसे खाना पका के दे देता है। प्लस ईश्वरन की एक ये बात बताई गई है कि वो महेंद्र को कहानियां सुनाता है, और कहानी इस तरीके से सुनाता है कि महेंद्र जो होता है ना उसकी बोरियत नहीं होने देता महेंद्र को, क्योंकि वो टीवी भी तो होता ही नहीं है, फुल एंटरटेनमेंट जो होता है ना ईश्वरन देता है महेंद्र को। ठीक है, जैसे कि वो इस तरह कहानी सुनाता है, जैसे कि नॉर्मली आप ये बताएंगे कि मैं सड़क पर से जा रहा था तो सामने से पेड़ गिरा हुआ होता है। ठीक है, लेकिन जब ईश्वरन कहानी सुनाएगा तो वो अपनी दोनों भवे जो है ना चढ़ा लेगा, और वो इस तरीके से सुनाएगा कि मैं रास्ते से जा रहा था, ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ा सा डर लगा, मेरे पैर कप कप आए, मैं चलता रहा, मुझे सामने से कुछ काला साया सा नजर आया, लेकिन फिर भी मैं चल रहा था, ईश्वर इस तरह बोलता। फिर मैं थोड़ा आगे चला तो मैंने देखा वो काला सा साया जो था वो कुछ नहीं था, वो पेड़ था। तो इस तरीके से कहानी सुनाता था कि शुरुआत में सस्पेंस क्रिएट करता था, फिर वो नॉर्मल हो जाता था। ठीक है, वो इस तरह इसलिए था क्योंकि जब महेंद्र अपने काम में चला जाता था तो ईश्वरन घर का काम करने के बाद ना वो तमिल कहानियां सुनता था, पढ़ता था, और वो तमिल कहानियां सस्पेंस से रिलेटेड होती थी, तो वही कहानी वो गढ़ देता था इस तरीके से। अब एक बार की बात है कि ईश्वरन ना ऐसी कहानियां सुना रहा था, तो महेंद्र को ये बता रहा है कि जिस जगह से मैं आया था ना, मैं छोटा था, जिस जगह से मैं आया था तो वहां पर क्या होता था, वहां पर ना लकड़ियों का काम होता था, वहां लकड़ियां कटती थी। ठीक है, तो लकड़ियों को कटवाने के लिए ना उसका सामान हाथी वगैरह लेके जाते थे, तो एक बार तो हाथी वगैरह लेके जा रहे थे, तो ईश्वरन स्टार्ट करने लगा कि एक बार की बात है, क्या आपको पता है कि एक बार ना इन सब हाथियों में से एक हाथी पागल हो गया था, वो जैसे ही पागल हुआ तो उसने पागलपन मचाना स्टार्ट कर दिया, यहां पर लोगों को चीखना चिल्लाना, इधर वो चीखना चिल्लाना, अपनी सूंड से सब कुछ वो करने लगा। तो उसके बाद ईश्वरन बोला, उस टाइम में बहुत ज्यादा छोटा था मैं, बहुत घबराया, बहुत ज्यादा छोटा था मैं, और वो कहने लगा कि हाथी नगर के बाहर आ गया और सारी की सारी पेड़ों को और दीवारों को बिल्कुल माचिस की तीलिया की तरह हटाने लगा। ठीक है, सड़क पर से सब भाग गए, मिट्टी के बर्तनों को उसने लुढ़काना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, स्कूल के मैदान में वो अब आ गया और जहां पर बच्चे खेल रहे थे, सभी बच्चे जो है वो डर गए, और फिर ईश्वरन कहता है कि मैं भी उस टाइम पर बच्चा था, तो सारे के सारे चढ़कर जो है वो बिल्डिंग पर चले गए, मैं भी डर के मारे बिल्डिंग पर चला गया। ठीक है, लेकिन हाथी फिर अपनी उधम मचा रहा था। तो इस तरीके से वो बताता, तो महेंद्र बहुत ध्यान से सुन रहा था, अच्छा और बताओ। फिर ईश्वरन कहानी पर आ जाता कि सब के सब बच्चे जो हैं वो ऊपर चिल्लाने लगे, मेरी अध्यापिका और मैं भी ऊपर की तरफ चिल्लाने लगे। फिर उसके बाद ईश्वरन कहता है
कि अचानक मुझे क्या हुआ, मैं सीढ़ियों से उतरा, मैं उतरता गया, मैं उतरता गया, मैं उतरता गया। इस तरीके से सुनाया उसने कि मैं उतरता गया और मेरे हाथ में एक छड़ी थी। मैंने क्या ली, मैंने एक छड़ी ली और छड़ी जो है मैंने हाथी की तरफ देखा, हाथी ने मुझे देखा, फिर मैंने हाथी की तरफ देखा, फिर हाथी ने मुझे देखा और मैंने छड़ी लेकर हाथी की बीच की उंगली पर मार दी और हाथी लुढ़क गया। फिर उसके बाद वो कहता है चलो 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 ठीक है चलो अब खाना खाते हैं। तो इस पर महेंद्र कहता है अरे कहानी तो पूरी सुनाओ। फिर कहते हैं फिर ईश्वरन कहता है नहीं नहीं बाद में सुनेंगे कहानी, पहले खाना वाना खा लो। फिर वो खाना खाता है। वो हमेशा ईश्वरन यही करता कि हमेशा कहानी को बीच में छोड़ देता था, सस्पेंस बना के बीच में छोड़ देता ताकि महेंद्र उसके लिए जानने के लिए पागल हो जाए। फिर महेंद्र कहता है जरा खा वो तो सुनाओ। तो फिर ईश्वरन कहता है खाना खा लो फिर सुना देंगे। तो जैसे ही खाना खत्म हुआ तो उसके बाद महेंद्र पूछने लगे फिर क्या हुआ हाथी का, जल्दी से बताओ मुझे सुनना है क्या हुआ। तो फिर वो कहता है अरे कुछ नहीं हुआ, वो हाथी लुढ़क गया था तो फिर उसके बाद वो थोड़ा सा उसे चोट लग गई थी, कुछ नहीं करा, कॉल वॉल करी और हॉस्पिटल से आए, जानवर के हॉस्पिटल से आए और उसे उठा के ले गए। तो इस पर महेंद्र भी अपना सर पकड़ने लगता भाई क्या कहानी सुनाता है, सुना ऐसे रहा था जैसे कि कुछ बुरा होगा लेकिन निकला क्या, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये ईश्वरन ना इस तरीके से कहानी सुनाता था कि मुझे भी सुनाने में बहुत मजा आ रहा है, तो सोचो कि महेंद्र को कितना अच्छा लगता होगा। ठीक है, अब आगे चलते हुए क्या होता कि लाइफ ऐसी ही गुजर रही थी उनकी। तो कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता था जब ईश्वरन जो है महेंद्र को कहानी ना सुनाए, क्योंकि महेंद्र को आदत हो गई थी ईश्वरन की कहानी की, वही रोमांचक वही चीज। पता नहीं ईश्वरन कहाँ से कहानियां गढ़ता था, अपनी सुनाता था या ऐसी वो फेंकता था छोड़ता था, वो ऐसी पतंग की तरह छोड़ता था, ये समझ में नहीं आता। लेकिन महेंद्र को उसकी कहानी सुनने में बहुत ज्यादा मजा आता था। अब एक बार की बात है कि एक सुबह की बात है कि महेंद्र नाश्ता कर रहा था तो फिर ईश्वरन ने पूछा कि श्रीमान मुझे जरा ये बताइए कि आज खाने में कुछ स्पेशल बनाऊंगा मैं, कि आज ना कुछ परंपरा है हमारी, हमारे पूर्वजों की कुछ आत्माओं का मिलन है, मैं आज खाना बनाऊंगा। तो फिर महेंद्र कहता है ठीक है बना लो कुछ भी बना लो। अब वो रात का समय हो जाता है, वो खाना खाने बैठ जाते हैं। अब खाना बहुत मजे का था, अब महेंद्र आराम आराम से खा रहा, तो पता नहीं इस बीच ईश्वरन को क्या चुल हुई, क्या चुल मची, उसने क्या किया, उसने ये कह दिया कि पता है आज आपको कि ये जो घर है ना जहाँ हम आए हैं ये कब्रिस्तान पर बना है, शमशान घाट पर बना है घर। जब महेंद्र सुनता है अपनी भवें उठाता है क्या, कहने लगी मैं तो, फिर ईश्वरन कहता है मैं तो पहले ही जानता था ये घर कब्रिस्तान पे बना है, क्योंकि जब मैं यहाँ प्रवेश कर रहा था ना तो मैंने हड्डियां देखी थी और खोपड़ी देखी थी घर के बाहर। तो महेंद्र थोड़ा सा डर जाता है, फिर वो कहता है मैं नहीं मानता ये भूत भूत कुछ नहीं होते। तो महेंद्र ईश्वरन कहता है ठीक है नहीं मानते तो ना माने, लेकिन मुझे तो मुझे भूत दिखते हैं और काले बालों में सफेद साड़ी पहने हुए चेहरे पे झुरियां ये सब मुझे भूत दिखते हैं ऐसे। तो महेंद्र का हो जाता है दिमाग खराब, उसे डर लगने लगता है, क्योंकि एक तो ईश्वरन जो कि कहानी सुनाने में एक्सपर्ट, जो कहानी को बड़ा चढ़ा के करने वाला, ठीक है। तो फिर वो कहता है कि महेंद्र कहता है कि नहीं दिमाग खराब ना करो मैं जा रहा हूं सोने। अब वो क्या करता है बात काट के वो सो जाता है। लेकिन क्या होता है सोने के उठने बहुत रात भर वो यही सोचता रहता है और जब वो सुबह उठता है तो उसके दिल में बुरा लगता है कि यार मैंने रात को इसको ईश्वरन को डांटा था। तो अब वो ईश्वरन के पास जाता है माफी मांगने, लेकिन ईश्वरन तो नॉर्मल होता है। लेकिन यहां से ना महेंद्र के दिमाग में ईश्वरन ने ये भूत वाला किस्सा गढ़ दिया होता है। अब एक रात की बात है कि महेंद्र को है ना वो सो रहा था, अचानक से उसे आवाज आई तो उसकी आंख खुल गई। अब जो देखा कि वो आवाज ना उसे बिल्ली जैसी लगी, फिर उसने ध्यान से देखा ध्यान से सुना तो वो बिल्ली की आवाज नहीं कुछ और थी। तो वो विंडो के पास गया, विंडो के पास जाकर उसने देखा कि वो आवाज तेज होती जा रही है प्लस एक सामने काली परछाई सी पड़ी है। तो पहले तो अपना दिमाग ऐसे ऐसे करता है कि मैं क्या देख रहा हूँ, आंखें वाखे सब मसलता है। तो फिर उसके बाद वो अपनी आंखें मसलता है और डर के मारे वो क्या करता है उसको पसीना आने लगता है और फिर वो गेट वेट बंद करके दोबारा सो जाता है और रात भर वो सो नहीं पाता। फिर बस जैसे ही सुबह होती है वो नाश्ता वाश्ता करता है और इस भयानक घटना जो उसके साथ होती है ना उसके मन से निकल ही नहीं रही होती है। तो फिर उसके बाद वो अपना खाना वाना खाता है और अपने उनके पास जाता है जहाँ वो ऑफिस के पास है, उसके पास जाया जाता है श्रीमान मैं यहाँ काम नहीं कर सकता, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, टाटा बाय बाय। और फिर वो उस जगह को छोड़कर चला जाता है और अपने साथ अपने कहानी वाले को भी चला लेके चला जाता है ईश्वरन को। तो यहाँ हो जाती है कहानी की एंड, कुछ नहीं है बस इसमें ये बताया गया है कि वो आदमी जिसका नाम ईश्वरन है ऐसी कहानियां सुनाता था कि कोई भूत भूत का चक्कर था या नहीं था उसके दिमाग में डाल दिया कि वो डरने लगा था उससे। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी।
तो मैं क्वेश्चन आंसर का सिलसिला स्टार्ट कर रही हूँ। ई स्टूडेंट बाय स्टोरी टेलर का पहला क्वेश्चन है, इन व्हाट इज या वे ईश्वरन एन एसेट टू महिंद्रा। एसेट का मतलब उसके लिए एक जागीर होना। महेंद्र के लिए ईश्वरन किस तरह एक जागीर था, किस तरह इम्पोर्टेंट था उसकी लाइफ में, आपको ये बताना है। ठीक है ना, एसेट उसे बोलते हैं। या ये बता सकते हैं कि क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ ईश्वरन इन महिंद्रा लाइफ। ओके, ईश्वरन वॉज महिंद्रा कुक, महिंद्रा का कुक था। ही वॉज क्लोज टू महिंद्रा, महिंद्रा के बहुत ज्यादा क्लोज था। एंड फॉलो हिम वेर एवर ही वॉज पोस्टेड, जहां पर भी उसकी पोस्ट लगती थी महिंद्रा की, वो उसके साथ जहां जहां वहां वहां जाता था। ही कुक मील फॉर हिम, वो उसके लिए खाना बनाता था, मील मतलब खाना। वॉश्ड हिज क्लोथ, उसके कपड़े धोता था वो। एंड गॉसिप एंड टेलिंग स्टोरी एट नाइट, रात को वो दोनों एक दूसरे किसी के बारे में गॉसिप करते, या वो इसको हमेशा की तरह रात में जो है वो स्टोरी सुनाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why does the author say that? Author यानी कि जो हमारा महेंद्र है वो ऐसा क्यों कहता है कि ईश्वरन seems to be more than make up for the absence of a TV. ईश्वरन मेरे लिए टीवी के मेकअप, टीवी में जो मेकअप होता है, टीवी जैसे से ज्यादा मेरे लिए है, इम्पोर्टेंट है, टीवी से इम्पोर्टेंट ज्यादा मेरे लिए है। ठीक है, ऐसा महेंद्र क्यों कहता है ईश्वरन के लिए। ईश्वरन वॉज वेरी एक्सपर्ट इन टेलिंग द स्टोरीज, ईश्वरन बहुत ज्यादा एक्सपर्ट था स्टोरी कहने में, जैसे आपको पता है चल गया है। ही ऑफन नरेटेड, वो कभी कभी खुद लिखता था मिस्टीरियस स्टोरीज, ऐसी स्टोरीज होती थी मिस्टीरियस के क्या बताएं, विच हैड सरप्राइजिंग एंडिंग, और उनकी हमेशा सरप्राइजिंग एंडिंग होती थी। द इमेजिनरी स्टोरीज होती थी वुड एंटरटेन, वो हमेशा एंटरटेन होती थी, मिस्टीरियस होती थी। ठीक है, महेंद्र एट नाइट, रात को, सो द ऑथर से, इस तरह रात को वो सुनाता था, तो इस तरह ऑथर कहता है कि ईश्वरन उसके लिए मूवी से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट था, ईश्वरन सीम्स टू बी मोर देन मूवी फॉर महेंद्र। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है कि इस पर आप, ये ईश्वरन की तारीफ है, इसकी तारीफ है, या फिर क्वेश्चन किस तरह भी आ गया कि डिस्क्राइब करो ईश्वरन के बारे में, बताओ कि वो किस तरह एक जबरदस्त स्टोरी टेलर था। ओके, तो ये क्वेश्चन वो है और ये लास्ट है इसका। तो ईश्वरन वॉज ब्रिलियंट स्टोरी टेलर, बहुत जबरदस्त कहानियां सुनाता था। आप इस पर कॉमेंट करें तो आप ये बताएंगे कि यस, ईश्वरन वॉज ब्रिलियंट स्टोरी टेलर। ही यूज टू मतलब सुनाया करता था, रीड पढ़ा करता था, तमिल सस्पेंस मूवी बुक्स पढ़ा करता था वो खाली टाइम में। तो हिज स्टोरी वॉज ऑल्सो अ ब्लैंड ऑफ हॉरर एंड एडवेंचर, उसकी सारी स्टोरी वो ब्लैंड मतलब मिक्सर हुआ करती थी हॉरर का एंड एडवेंचर का, विच गेव, जो देती थी सरप्राइजिंग क्लाइमैक्स देती थी ऑल द टाइम, हमेशा उसकी स्टोरीज क्लाइमैक्स देती थी, एडवेंचर हुआ करती थी और सरप्राइजिंग हुआ करती थी। ही कुड नरेट, वो खुद लिखा करा था स्टोरी एवरी डे, हर दिन, क्योंकि रोजाना रात को महेंद्र सुना करता था, तो रोजाना उसके दिमाग में स्टोरी नरेट होती रहती थी डे बाय मिक्सिंग सस्पेंस, और हर स्टोरी में सस्पेंस होता था। एडवेंचर एंड हॉरर टू द एपिसोड, हर एपिसोड इसके एडवेंचर एंड हॉरर हुआ करते थे। ही यूज टू गिव मोर एंटरटेन रेदर देन टीवी, और वो ज्यादा दिया करता था एंटरटेनमेंट रेदर देन टीवी। तो ये हो गया आपका ईश्वरन द स्टोरी टेलर के बारे में, इसकी मैंने पूरी की पूरी समरी करा दी है विद एनिमेशन, प्लस इसके आपको क्वेश्चन आंसर है, कुछ नहीं है, एक ही आएगा कि ईश्वरन के कमेंट करें ईश्वरन कैसा है। ओके,